नमस्कार दोस्तों, री एजुकेशन एकेडमी के समझ की सीढ़ी प्लेलिस्ट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात की जाए, मध्य पूर्व की बात की जाए या पश्चिम एशिया की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर फिलिस्तीन और इसराइल के मध्य उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के मुद्दों को लेकर के तनाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा चर्चा का बना रहता है। यहाँ पर ये सुखद न्यूज है कि दोनों ही देशों के बीच में जो विवाद थे, जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, वह विराम की स्थिति में पहुंच गया है। लेकिन यहाँ पर यह सोचना होगा कि पिछले कई दशकों से यदि यह विवाद चल रहा है तो हमें विवाद के कारणों को समाप्त करना है। विवाद जिन कारणों से उत्पन्न होता है उस पर आपसी सहमति बैठकर बनाने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर पिछले अगर इतिहास के 1948-67 और कई बार के जो है झड़प के निष्कर्ष पर देखा जाए तो ये बातें सामने निकल करके आती हैं कि हर बार इजराइल की जीत हुई है। तो यहाँ पर इस बात को समझना आवश्यक है कि क्या इजराइल बहुत बड़ा देश है, क्या इजराइल के पास बहुत बड़ी संख्या में सेना है? नहीं। निश्चित तौर पर इजराइल की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में ये छोटा सा देश बहुत आगे निकल गया है और वो अपने मंसूबे को प्राप्त करने के लिए आतंकवाद जैसे नाकाम मंसूबे को भी जो है हरा देता है। तो इस तरीके से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उसने प्रगति करके एक वायु सुरक्षा प्रणाली विकसित किया है जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है। आयरन डोम उसका यानी कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है, वायु सुरक्षा प्रणाली है, जो विभिन्न प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों या शत्रु देश की तरफ से किए जाने वाले रॉकेट के आक्रमण को नेस्तनाबूत कर देता है और इस तरीके से वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करने में सफल होता है। यहाँ पर इस बात को समझना आवश्यक है कि आयरन डोम जो वायु सुरक्षा प्रणाली है वो बेसिकली 3 पॉइंट के सिद्धांत पर काम करता है। एक इसका जो है राडार सिस्टम है और दूसरा जो है कंट्रोल सिस्टम है और तीसरा जो है वो इंटरसेप्टर मिसाइल है। ये जो आयरन डोम सिस्टम है वो 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द घूमता है। अगर शत्रु देश की तरफ से या आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न किसी संगठन के माध्यम से कोई भी अटैक रॉकेट के माध्यम से किया जाता है तो तुरंत जो है राडार जो है वो राडार उसको डिटेक्ट करता है कि उसकी गति क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है या वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है और उसका टारगेट क्या होगा। बेसिकली इन बातों को वो समझने का प्रयास करता है और जैसे ही उसे ये बात समझ में आती है इस राडार सिस्टम को वो तुरंत इसकी सूचना कंट्रोल सिस्टम को देता है। बैलिस्टिक कंट्रोल सिस्टम को जाती है और कंट्रोल सिस्टम तत्काल उसे समाप्त करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल को जो है, इंटरसेप्टर मिसाइल एक इस तरीके का मिसाइल है जो अपनी तरफ आने वाले किसी भी प्रकार के, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, हेलीकॉप्टर हो या इसी तरीके से कोई भी रॉकेट हो जो कि अपना नुकसान पहुंचा सकता है, वहां पर जो है जाकर के और उसके पास पहुंच करके उसे इंटरसेप्ट यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये व्यवस्था जो आयरन डोम है, जो कि इजराइल की जो वायु सुरक्षा प्रणाली है, वो राडार कंट्रोल सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइल के माध्यम से काम करता है। यह इसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखा जाए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखा जाए तो हर कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए सुरक्षा प्रणाली को अपने देश में बनाए रखने का समर्थन करता है और इसके लिए कई तरीके की वो तकनीक पर शोध करता है और विभिन्न देशों से ऐसे तकनीक का आयात करता है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें इसको कि क्या भारत के पास भी आयरन डोम व्यवस्था है, तो निश्चित तौर पर इजराइल के साथ हमारे जो भी सुरक्षा संबंध हैं, सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा तकनीक को लेकर के बहुत ही अच्छे संबंध है, लेकिन भारत ने अभी तक इजराइल से इस तरीके की कोई टेक्निक आयातित नहीं किया है। तो यहां पर यह सवाल उत्पन्न होता है कि भारत अपनी सुरक्षा प्रणाली के लिए क्या कर रहा है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये रसिया के द्वारा विकसित किया गया S-400 ये वायु सुरक्षा प्रणाली है जो जिस तरीके से इजराइल ने अपनी सुरक्षा प्रणाली को विकसित किया है उसी तरीके से ये S-400 भी वायु सुरक्षा प्रणाली है जिसको भारत में लाने के लिए खरीद प्रक्रिया हो चुकी है और जल्द ही ये भारत के सुरक्षा प्रणाली में शामिल हो जाएगा। यहाँ पर ये बात भी सोचना पड़ता है
कि यदि भारत का इजराइल के साथ बेहतर संबंध है तो वो क्यों नहीं आयरन डोम सिस्टम को भारत में ले आया, जिससे कि इतनी टेक्निकली जो है अपने शत्रु को या आतंकवादी गतिविधियों को जो है समाप्त किया जा सकता है। तो एक बात यहां पर ध्यान में रखना होगा कि आयरन डोम जो कि इजराइल की सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भाग है, चमत्कारी भाग है और उसकी सुरक्षा की लगभग लगभग गारंटी देता है, उसकी जो मारक क्षमता है वो कम है, शॉर्ट रेंज यानी कि कम दूरी की जो है मार की क्षमता रखने वाला जो है ये वायु सुरक्षा प्रणाली है, जो लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर जाकर शत्रु देश के रॉकेट को या किसी भी प्रकार के नुकसान पहुंचाने वाले डिवाइस को जो है समाप्त करता है। लेकिन यस 400 एक ऐसा विकसित किया गया वायु सुरक्षा प्रणाली है जो 300 से लेकर 400 किलोमीटर दूरी तक जाकर शत्रु देश के रॉकेट या विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस को, जो कि यहाँ के रिहायशी इलाके या इम्पोर्टेंट सिटी को नष्ट कर सकता है, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग को नष्ट कर सकता है, वहां पर पहुंच करके इस प्रणाली को समाप्त कर देगा। यहाँ पर एक बात और भी समझ लेना है कि वायु सुरक्षा प्रणाली कहीं भी किसी भी देश का हो, चाहे आयरन डोम हो, चाहे यस 400 हो या जो भी सिस्टम होता है, वहां पर राडार प्रणाली होती है, उसकी कंट्रोल सिस्टम होता है और उससे निपटने के लिए इंटरसेप्टर सिस्टम और टेक्नोलॉजी होती ही है। तो इस तरीके से इस वायु सुरक्षा प्रणाली में भी ये सिद्धांत अपनाया गया है, लेकिन भारत के लिए ये किफायती था, ये व्यवहारिक था भारत जैसे विविधता वाले और इतने बड़े क्षेत्रफल वाले देश के लिए कि वो जो है एक ऐसी क्षमता का जो है सिस्टम डेवलप करे या दूसरे देशों से आयातित करे जो भारत के संपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा की लगभग लगभग गारंटी देता है। तो इस तरीके से भारत के पास जो है आयरन डोम नहीं बल्कि वह यस 400 की प्रणाली को भारतीय सुरक्षा प्रणाली में शामिल करने का प्रयास कर रहा है। तो निश्चित तौर पर इसके माध्यम से आप लोगों ने यह देखा कि आयरन डोम की प्रणाली जो कि इजराइल की बहुत बड़ी ताकत है और उससे वो अपने देश की सुरक्षा करने में विभिन्न प्रकार के आक्रमणों से सफल होता है, और भारत की तरफ से उसे क्यों नहीं लाया गया, और यदि क्यों नहीं लाया गया तो भी भारत अपनी सुरक्षा प्रणाली के लिए क्या कार्य कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आज के इस टॉपिक में हम लोग आयरन डोम जैसे वायु सुरक्षा प्रणाली पर जो है चर्चा किए, पुनः अगले टॉपिक में अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी को नई दिशा में जारी रखिए और चैनल पर यदि नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरीके की डिमांड हमारी क्रिएटिव टीम की तरफ से बार बार की जाती है, तो इससे आपको नए वीडियोज़ के लिंक और उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। नमस्कार।